Pace up. Learn and grow. Hello friends, welcome to our channel Pace Up. आज हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है आगमन विधि। तो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था डिडक्टिव मेथड का, होपफुली वो आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जस्ट उसके ऑपोजिट है। डिडक्टिव अगर आपको समझ में आ गया तो इंडक्टिव आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इंडक्टिव मेथड में एग्जैक्टली है क्या और वो उसका ऑपोजिट में क्यों कहा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहे आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन कि इंडक्टिव जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। मीन्स टू गो फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल, यानी वहां हम जनरल टू स्पेसिफिक जाते थे, यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे, यानी यहाँ पहले फॉर्मूला आएगा और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपने डिडक्टिव समझा होगा तो जरूरी है, बहुत ही जल्दी एक लाइन में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टू जनरल। इन दिस लॉजिकल थिंकिंग इज बेस्ड बट इट हैज साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑल्सो। लॉजिकल थिंकिंग तो है ही कि लॉजिक लगाना है कि आपको कहाँ कैसी वैल्यूज रखनी है, पर इससे आपकी साइकोलॉजिकली भी आपकी थिंकिंग इंप्रूव होती है। किसने इन्वेंट किया है? इन्वेंटेड बाय रॉजर बेकिन, 16th सेंचुरी में दिया है उन्होंने मेथड। इन दिस मेथड स्पेसिफिक एग्जांपल आर टेकन इनटू अकाउंट एंड जनरल प्रॉपर्टी प्रिंसिपल और फॉर्मूला आर फाउंड आउट, इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब इस मेथड में एक जनरल प्रॉपर्टी या प्रिंसिपल या लॉ के बारे में बार बार बात की जाती है और उसके थ्रू हम फाइनल एक फॉर्मूला फॉर्म कर लेते हैं या उसकी एक थ्योरी फॉर्म कर लेते हैं। इस मेथड को इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। एग्जांपल कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन अगर किसी बच्चे को आपको सिखाना होगा तो आप कैसे करोगे? 2+3 = 3+2। एक बार आप उससे 2+3 पूछोगे, एक बार आप उससे 3+2 पूछोगे, एक बार उससे 3+3 पूछिए, एक बार उससे 2+4 पूछिए। दोनों तरफ से आंसर सेम मिल रहा है। फर्स्ट टेकिंग स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ एडिशन, लोअर स्टेप ऑफ थिंकिंग, देन फाइंड प्रॉपरली प्रिंसिपल फॉर्मूला इन अपर स्टेज, प्रिंसिपल और फॉर्मूला इन अपर स्टेज। यानी कि पहले हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे और फिर हम पर्टिकुलर फॉर्मूला या एग्जांपल्स फाइंड करेंगे। ऑब्जर्वेशन बाय पीपल इज डन ओनली नॉट ओनली बाय वन एग्जांपल बट आल्सो अदर एग्जांपल्स। एक ही एग्जांपल से बच्चा किसी फॉर्मूले या किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाएगा। प्यूपल यहाँ पे बोला गया है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए एक ही चीज के बहुत सारे आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे और उसके बाद फिर वो उसके फॉर्मेट को या उसकी थ्योरी को समझ पाएगा। स्टूडेंट ऑब्जर्व कंपैरेटिवली देन एनालिसिस थिंकिंग स्टॉर्मिंग प्रोसेस इज डन एंड देन एट लास्ट लॉ इज फॉर्म, इट इज कॉल्ड एज जर्नलाइजेशन। पहले उसको क्या दिया जाएगा, एक दो चार एग्जांपल दिए जाएंगे जिसमें वो कंपेयर कर पाएगा कि अरे इसमें ये चीजें सेम दिख रही हैं। फिर क्या होगा, वो एनालाइज करेगा, यानी एनालाइज किया कि सेम सेम चीजें दिख रही हैं, भाई स्क्वायर 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 है, यहाँ पे क्यूब 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 है, ऐसी करके। फिर उसने दिमाग लगाया, थिंक स्टॉर्मिंगली किया, प्रोसेस हो गया और अब एट लास्ट में उसने एक फॉर्मूला बना दिया जिसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में जनरलाइजेशन, जनरलाइज कर लिया उसको। It is not only useful in teaching mathematics, but ये हमें teach करने के लिए help करता है grammar, noun, types of adjectives, बहुत सारी चीजें। Steps देख लेते हैं। Observation यानी किसी चीज को देख कर समझना। First relation between indices of same base। पहले क्या दिया, 2^3 × 2^5 = 2^8। फिर यहाँ लिया 7^2 × 7^3 = 7^5। दो एग्जाम्पल उसने किसी भी बच्चे ने देखे। अब कंपैरिजन करेगा कि सब इनके दोनों के सेम बेस है तो रिजल्ट भी सेम बेस में आ रहा है। फिर ऑपरेशन में दोनों में मल्टीप्लाई लग रहे हैं तो इनका यहाँ पे 5+3 = 8 हो रहा है, यहाँ पे 2+3 = 5 हो रहा है,
ऐसे करके उसने एनालाइज किया, समझने की कोशिश की, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, दिमाग लगाया, तो उसने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया कि अगर बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स, और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स एड हो जाएंगी. तो सेम हम ये तो मैंने डाइसिस का फॉर्मूला एग्जाम्पल लिया है, आप पाइथागोरस थ्योरम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. तो ये हमने देखे स्टेप्स. अब इसके फायदे क्या क्या है. स्टूडेंट गॉट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन बिकॉज दे इंडिपेंडेंटली इन्वेंट न्यू लॉज ऑफ प्रिंसिपल बाय ऑब्जर्वेशन. देख करके वो चीजें समझेंगे और खुद ही प्रिंसिपल्स डेवलप कर लेंगे, इसलिए उनके अंदर एक हैप्पीनेस और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा. स्टूडेंट बिकम एक्टिव, एक्टिव हो जाएंगे क्लास में. जब आप एक सी चीजें लिखेंगे और पूछेंगे तो वो अपने आप एक्टिवली जवाब देने की कोशिश करेंगे. डेवलप थिंकिंग पावर, डेवलप कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस आएगा डेफिनेटली जब आंसर दे पाएंगे, और थिंकिंग पावर क्योंकि जब वो क्वेश्चंस देख के समझने लगेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन द मेथड ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. अपने आप जो है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो एक्टिवनेस है, जो हैप्पीनेस है आंसर देने में, वो बढ़ रही है. इसलिए अपने आप टीचिंग और लर्निंग में वो सब्जेक्ट अपने आप उनको पसंद आने लगेगा. इम्प्रूव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. बिल्कुल बातचीत बढ़ेगी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, बिकॉज टीचर कुछ लिख रही है, फिर स्टूडेंट से चाह रही है कि वो आंसर दे. कई बार कुछ गलत भी देंगे, कुछ सही भी देंगे, किसी को एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और ऐसा अगर लगातार होगा तो एक इंटरेक्शन का, बातचीत का तरीका बन जाएगा बीच में. अब इसके टीम एरिट्स देख लेते हैं. मतलब हर चीज के जिसके फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं, कि इसके नुकसान क्या क्या हैं. रिक्वायर मोर टाइम टू टीच. बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. आप जब उनसे ही चाहोगे कि वो समझें, फिर वो आपको आंसर दें, फिर कुछ गलत देंगे सही देंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग तो है डेफिनेटली. टाइम तरीके से कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स. वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगी.